सत श्री अकाल आदाब, वेलकम बैक टू एमए व्लॉग्स। आई होप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ और साउंड होंगे। अगर आप इंडिया में तो गर्मियों का मजा ले रहे होंगे, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में तो ठंड का मजा ले रहे होंगे। अगर आपको पीछे डिस्टर्बेंस थोड़ी भी सुनाई दे रही है तो डोंट वरी, यहाँ पर कहीं पर मेरा हीटर दिख रहा होगा। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। इस टाइम कितने बज चुके हैं, 9:21, और यहाँ पर अगर हम देखें टेम्परेचर तो क्रेगीबन में इस टाइम टेम्परेचर है, लेट मी सी क्रेगीबन का टेम्परेचर 7 degrees, here we go, 7 degrees टेम्परेचर है और -1 तक आज जाएगा। कनाडा के कंपेरेटिवली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 7 degrees बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो एनीवेज, ठंड को मारो गोली। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अगर आप नए नए ऑस्ट्रेलिया में आए हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ कर सकते हो। आज हम बात करेंगे बैंक अकाउंट्स के बारे में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ऊपर यहाँ पर कहीं पर आपको लिंक दिख जाएगा, आप ऊपर जाके क्लिक करके उसको देख सकते हो और फिर बाद में ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे बैंक अकाउंट, अगर आप नए नए आए हो ऑस्ट्रेलिया में तो कैसे ओपन करोगे। सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे हम इंडिया में कैश लेकर घूमते हैं, मोस्टली इंडिया का जो बिजनेस होता है ना, हम कहीं पर भी जाते हैं हमारे पर्स में, हमारे वॉलेट में कैश होता ही होता है। यहाँ पर टोटली डिफरेंट है, यहाँ पर कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स बाय कार्ड और ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह ही चलते हैं। कैश यूज़ कर सकते हो लेकिन हैंडी नहीं है इतना, यू नो, यहाँ पर क्योंकि इंडिया में सौ रुपए तो है, यहाँ पर $100 है, वहाँ पर ₹500 भी है। यहाँ पर $500 तो नहीं है ना, 100 के 5 लेने पड़ेंगे, तो वो हैंडी नहीं है। तो इसलिए लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि बाय कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक ट्रांसफ़र, पे आई डी वगैरह, ऐसे ही मतलब ट्रांजेक्शन्स कर लें। तो बात करें कि अगर यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो कैसे खुलवाओगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चाहिए अपना एड्रेस। जब आप यहाँ पर आओगे किसी ना किसी घर में तो आओगे ही, है ना, तो आपको उस जगह का एड्रेस पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। और तीसरी चीज़, आपके पास अपने वीज़ा की कॉपी होनी चाहिए। यहाँ पर मेनली हर एक सबर्ब में ये 4 बैंक्स जो होते ही होते हैं, सबसे पहले कॉमनवेल्थ बैंक, फिर ANZ बैंक, NAB और चौथा वेस्ट बैंक। ये बिग 4 बैंक्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बैंक्स माने जाते हैं। यहाँ पे हर एक सबर्ब में आपको ये बैंकों की ब्रांचेस मिल ही जाएगी। किसी भी बैंक में चले जाओ, वहाँ पर जाके उनको बोलो कि मैंने अपना बैंक का अकाउंट ओपन करवाना है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर मी बैंक है, HSBC है, इंटरनेशनल बैंक्स काफ़ी ज़्यादा, बैंक ऑफ मेलबर्न है, लेकिन मेनली जो स्टूडेंट्स हो गए या फिर PR लोग, मेनली जो मेन 4 बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, कॉमनवेल्थ, ANZ या फिर अपना NAB में या फिर वेस्ट बैंक में। यहाँ तो आप घर में बैठे बैठे ऑनलाइन की वेबसाइट खोल के आप वहाँ पर भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बैंक का अकाउंट ओपन करवा सकते हो, और करवाने के बाद आपको बैंक की ब्रांच में जाकर जो प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि मतलब अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो ऑनलाइन भी करवा सकते हो, अगर आप नहीं तो ऑफलाइन भी करवा सकते हो, लेकिन दोनों सिनेरियोज में आपको एक बार बैंक में विजिट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप यहाँ पर आओ, सीधे ही बैंक में जाओ, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। वहाँ पर हमेशा किसी भी बैंक में चले जाओ, वहाँ पर आपको हेल्पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्टाफ एंटर हो गए, आपको कोई ना कोई आकर पूछेगा हाउ मे आई हेल्प यू, आप क्या कैसे सहायता कर सकते हैं। तो बस उनको बोल दो कि मैंने बैंक अकाउंट खुलवाना है, दैट्स इट। आपको बोलेंगे, आपका नाम लेंगे, आपको बैठने को बोल देंगे 5 मिनट के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के बाद, अगर बहुत ज़्यादा बिजी हो तो आपको बुला लिया जाएगा, और 5-7 मिनट का काम है। ओपन करने के लिए आपको बस पासपोर्ट मांगेंगे, आपकी वीज़ा कॉपी मांगेंगे, आपके एड्रेस मांगेंगे, दैट्स इट। अगर आपने TFN अप्लाई कर लिया हुआ है अभी तक तो आपका TFN नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई इतना इशू नहीं है। बाद में आप TFN अप्लाई करके, TFN होता है यहाँ पर टैक्स फाइल नंबर, उसकी वीडियो भी आएगी, डोंट वरी। तो TFN अप्लाई करके अपने उसमें ऐप में आप डाल सकते हो। अकाउंट खुलने के बाद हफ्ते, 1.5 हफ्ते के आसपास जो एड्रेस आपने दिया है उस एड्रेस में आपको बैंक की तरफ से मेल आ जाएगी, उसमें आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, आपका BSB नंबर और अकाउंट नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको आपका डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा,
डेबिट कार्ड जिसको आप यूज करके यहाँ पर पेमेंट्स करोगे, उसके पीछे आपको पिन नंबर भी आपका होगा, आपको बस एक्टिवेट करना है, दैट्स इट। एक्टिवेट करके उसको अपने पैसे सारे अकाउंट में डालो, दैट्स इट। और उसके बाद उस दिन से लेकर हमेशा आप बस कार्ड यूज करोगे। तो बस बहुत ही इजी स्टेप है यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाने का, सिंपल सिंपल। अपना पासपोर्ट, अपना वीजा कॉपी और अपना TFN नंबर अगर है तो ले जाओ, अगर एड्रेस है एड्रेस साथ में लेकर जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर आपको मेल वगैरह आएगी। अगर आपको खुद का एड्रेस नहीं है ना अभी तक, तो कोई बात नहीं, जिस रिश्तेदार घर में रह रहे हो उसी का एड्रेस आप दे सकते हो। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है कि आप यहाँ पर अब आकर अपना बैंक का अकाउंट कैसे खोल सकते हो। अगर कोई भी तरह की आपको कन्फ्यूजन है अभी भी, नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हो। और बने रहिए MA व्लॉग्स के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी कि अगर आप यहाँ पर नए नए आए हो तो सबसे पहली जॉब, फर्स्ट जॉब इन ऑस्ट्रेलिया आप कैसे पाओगे। तो बैंक अकाउंट खुल गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी आ गई, यूज़ करनी आ गई, और अब जॉब भी तो मिलनी चाहिए ना। तो नेक्स्ट वीडियो जॉब के ऊपर, बने रहिए MA व्लॉग्स के साथ। तो के लिए थैंक यू, पीस आउट।